महाद्वीप एशिया को अद्भुत क्या बनाता है? भूमि क्षेत्र के मामले में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमारे ग्रह की कुल 7.7 बिलियन जनसंख्या में से 4.6 बिलियन लोगों का घर भी है, जो इसे सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी बनाता है। इन खूबियों के अलावा एशिया में भूमि पर हाईएस्ट और लोवेस्ट बिंदु भी है। माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8848.86 मीटर ऊपर है, हाईएस्ट बिंदु है, और मृत सागर का दबाव, जो समुद्र तल से 431 मीटर से अधिक नीचे है, सबसे लोवेस्ट बिंदु है। कुल 49 देश एशिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। भारत, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, जापान और कई और छोटे बड़े देश इस महाद्वीप का हिस्सा है। प्रारंभ से ही एशिया अधिकांश मानव आबादी का घर रहा है और इसने हमारी दुनिया की पहली सभ्यताओं को जन्म दिया है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय धर्म जैसे कि हिंदूवाद, ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद, सिख धर्म, साथ ही कई अन्य धर्म भी यहाँ स्थापित किए गए थे। एशिया में जातीय समूहों, संस्कृतियों, वातावरण, भौगोलिक अर्थव्यवस्थाओं, ऐतिहासिक संबंधों और सरकारी प्रणालियों की एक विशाल विविधता है। इसी तरह इसके परिदृश्य में भी कई अलग अलग जलवायु है। मध्य पूर्व में इक्वेटोरियल क्लाइमेट और गर्म रेगिस्तान से लेकर पूर्व में टेम्परेट क्लाइमेट और केंद्र में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट तक एशिया में लगभग सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। यहाँ तक कि साइबेरिया में सब आर्कटिक और पोलर रीजन भी है। एशिया लगभग 2300 भाषाओं का घर है, जिसमें चीनी, हिंदी, इंडोनेशियाई और जापानी जैसी व्यापक रूप से बोली जाने वाली कुछ भाषाएं शामिल हैं।